चलिए आज रात पहुंचना इंटीग्रेशन ओवर बटा साइनस प्रोडक्ट इनटू कॉसस प्रोडक्ट इनटू डीएक्स। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं। लेट आई बराबर इंटीग्रेशन ओवर बटा साइनस प्रोडक्ट इनटू कॉसस प्रोडक्ट इनटू डीएक्स। एक फॉर्मूला पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो रहा है। तो वन के स्थान पे हम लिखने वाले हैं आई बराबर इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स इनटू कॉस स्क्वायर एक्स इनटू डीएक्स। अब इंटीग्रेशन बटे रहा तो ये साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर किसके बटा में, साइन के बटा में कि कॉस के बटा में कि दोनों के बटा में, तो दोनों बटी। तो आई बराबर इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स इनटू कॉस स्क्वायर एक्स इनटू डीएक्स। ये कॉस से कॉस कैंसिल और ये साइन से साइन कैंसिल। तो आई बराबर इंटीग्रेशन ओवन वाई कॉस स्क्वायर एक्स इनटू डीएक्स प्लस ओवन वाई साइन स्क्वायर एक्स इनटू डीएक्स। तो आई बराबर वन वाई क्रॉस मिला के सेटा स्क्वायर एक्स इनटू डीएक्स और वन वाई साइन मिला के क्रॉस सेटा स्क्वायर एक्स इनटू डीएक्स। तो सेटा स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन किया टैन एक्स और क्रॉस सेटा स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस सी। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर टैन एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। जल्दी नोट कर लीजिए। मिटा ले। चलिए आगे क्वेश्चन है इंटीग्रेशन। ये भी मस्त क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की नजर से। सेटा स्क्वायर एक्स इनटू कॉस सेटा स्क्वायर एक्स इनटू डीएक्स इसका इंटीग्रेशन करना। अब प्रश्न उठे ना कि सर सेटा स्क्वायर एक्स इनटू कॉस सेटा स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता ही नहीं, तो नहीं होता है तो साइन और क्रॉस में सभी को कन्वर्ट कर लीजिए। क्लियर, साइन और क्रॉस में। तो लेट आई बराबर इंटीग्रेशन सेटा स्क्वायर पर क्या लिख सकते हो, वन बाई क्रॉस इन टू क्रॉस सेटा स्क्वायर पर क्या लिख सकते हो, वन बाई साइन स्क्वायर एक्स इन टू डी एक्स। तो आई बराबर इंटीग्रेशन ओवन में ओवन से मल्टीप्लाई ओवन बटा क्रॉस स्क्वायर एक्स इनटू साइन स्क्वायर एक्स इनटू डीएक्स
तो आई बराबर इंटीग्रेशन ओवन के स्थान पे क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस क्रॉस स्क्वायर एक्स बटा ये क्रॉस स्क्वायर एक्स इन टू साइन स्क्वायर एक्स इन टू डी एक्स। आई बराबर इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स बटा क्रॉस स्क्वायर एक्स इन टू साइन स्क्वायर एक्स इन टू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन क्रॉस स्क्वायर एक्स बटा क्रॉस स्क्वायर एक्स इन टू साइन स्क्वायर एक्स इन टू डी एक्स और क्रॉस कैंसिल साइन से साइन कैंसिल। तो आई बराबर इंटीग्रेशन वन बाई क्रॉस स्क्वायर एक्स इन टू डी एक्स और वन बाई साइन स्क्वायर एक्स इन टू डी एक्स। अब यहां से बताइए वन बाई क्रॉस मिला के क्या होगा, सेटा स्क्वायर एक्स इन टू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन वन बाई साइन मिला के क्रॉस सेटा स्क्वायर एक्स इन टू डी एक्स। सेटा स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टाइन एक्स माइनस क्रॉस सेटा स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस क्रॉस एक्स प्लस सी। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर इतना, जल्दी नोट करोगे। मिटा लें जी, प्रोचन है इंटीग्रेशन। ये भी प्रोचन अपने आप में दिव्य है, साइन एक्स क्यूब प्लस क्रॉस एक्स क्यूब बटा साइन स्क्वायर एक्स इन टू क्रॉस स्क्वायर एक्स इन टू डी एक्स। सॉल्यूशन लेट आई बराबर इंटीग्रेशन साइन क्यू एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स इन टू क्रॉस स्क्वायर एक्स इन टू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन क्रॉस क्यू एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स इन टू क्रॉस स्क्वायर एक्स इन टू डी एक्स। आई बराबर इंटीग्रेशन साइन क्यू से क्यू कैंसिल होते क्या बच रहा, ऊपर साइन एक्स और नीचे क्या बच रहा क्रॉस स्क्वायर एक्स इन टू डी एक्स प्लस यहाँ तीन पावर और यहाँ दो पावर दे रहा क्रॉस बचेगा तो क्रॉस एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स इन टू डी एक्स। कोई डाउट है तो बोलिएगा। आगे का स्टेप होने वाला इंटीग्रेशन, इसको ऐसे लिख सकते हैं विद्यार्थी ओवन वाई क्रॉस एक्स इन टू क्रॉस एक्स और यहाँ साइन एक्स लिख सकते हैं। ओवन में साइन से मल्टीप्लाई साइन एक्स और क्रॉस में क्रॉस से मल्टीप्लाई क्रॉस एक्स इन टू डी एक्स। यहाँ भी ओवन बटा साइन एक्स
इनटू कॉस एक्स बटा साइन एक्स इनटू डी एक्स स्क्वायर्ड आउट है तो आई बराबर वन वाई क्रॉस मिला के सेट एक्स और साइन वाई क्रॉस मिला के टेन एक्स इनटू डी एक्स वन वाई साइन मिला के क्रॉस एक्स और क्रॉस वाई साइन मिला के कॉट एक्स इनटू डी एक्स स्क्वायर्ड आउट राइट आंसर कितना साइन एक्स बटा क्रॉस स्क्वायर था तो वन वाई क्रॉस इन टू साइन वाई क्रॉस एक में साइन से मल्टीप्लाई साइन क्रॉस में क्रॉस से मल्टीप्लाई क्रॉस स्क्वायर यहां भी क्या होगा 1 by sin x into cross y sin क्रॉस में 1 से मल्टीप्लाई क्रॉस और साइन में साइन से मल्टीप्लाई साइन और 1 by क्रॉस मिला के सेट और साइन by क्रॉस मिला के टाइम 1 by sin मिला के क्रॉस सेट और क्रॉस by sin मिला के सेटेस इनटू टाइनेस टाइम डिडेशन सेटेस प्रोसेटेस इनटू प्रोटेस टाइम डिडेशन माइनस प्रोसेटेस बना चलिए इस सब पे आप लोग अच्छा से तैयारी कर लीजिए ना समझ रहे हैं क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा इनर टीएनसी चल जाना आगे क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है ये इंटीग्रेशन x प्लस टू इन टू डी एक्स का इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन ध्यान दीजिएगा इंटीग्रेशन बांटने के लिए हमने बोले थे कि लेट जो दिया हुआ रहेगा फंक्शन उसको i मान तो i बराबर x प्लस टू इन टू डी एक्स तो इंटीग्रेशन x इन टू डी एक्स प्लस टू बाहर इंटीग्रेशन वन इन टू डी और एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस टू और वन का इंटीग्रेशन कितना एक्स और प्लस सी और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये
इंटीग्रेशन ओवन बटा ओवन माइनस साइन एक्स इन टू डी एक्स। आप बताइएगा ये इंटीग्रेशन का सवाल है, तो जो दिया हुआ रहता है उस पर हम लोग मान लेते हैं। लेट आई बराबर इंटीग्रेशन ओवन बटा ओवन माइनस साइन एक्स इन टू डी एक्स, तो आई बराबर इंटीग्रेशन ओवन बटा ओवन माइनस साइन एक्स गुना ओवन प्लस साइन एक्स बटा ओवन प्लस साइन एक्स इन टू डी एक्स। आई बराबर इंटीग्रेशन ओवन बटा ओवन माइनस साइन एक्स है तो रेशनलाइज हमने कर दिया, माइनस था तो प्लस, तो ओवन में इतना से मल्टीप्लाई तो ओवन प्लस साइन एक्स हो गया, और ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन टू डी एक्स। तो आई बराबर इंटीग्रेशन ओवन प्लस साइन एक्स ओवन माइनस साइन एक्स पर एक्स मिला तो क्या क्रॉस एक्स पर एक्स इन टू डी एक्स। ये क्रॉस एक्स पर किसके बटा में, ओवन के बटा में कि साइन के बटा में कि दोनों के बटा में, बांट लीजिए दोनों के बटा में। इंटीग्रेशन ओवन वाई क्रॉस स्क्वायर एक्स इन टू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन साइन ओवन वाई क्रॉस एक्स इन टू साइन एक्स बता क्या क्रॉस एक्स इन टू डी एक्स। तो बताइए ना ओवन वाई क्रॉस मिला के सीटा स्क्वायर एक्स इन टू डी एक्स, ओवन वाई क्रॉस मिला के सेट एक्स और साइन वाई क्रॉस मिला के टाइन एक्स इन टू डी एक्स। जल्दी जितने भी इस लेक्चर में हो रहा अगर इतना ट्रैवल कर लिए तो 90 प्लस रहेगा मैथ मेरा, फिर से ये मेरा दावा है। और ये सब जितने भी क्वेश्चन टोटल प्रीवियस इतना ही क्वेश्चन सोल्यूशन करे लेट आई बराबर इंटीग्रेशन ओवन माइनस साइन एक्स बटा क्रॉस स्क्वायर एक्स इन टू डी एक्स। इन्हें से इंटीग्रेशन बातें होने से डी एक्स
तो ये बताइए ये क्रॉस स्क्वायर किसके बटा में, वन के बटा में कि साइन के बटा में कि दोनों के बटा में? दोनों के बटा में बांट लीजिए तो आई बराबर ओवन वाई क्रॉस स्क्वायर एक्स इन टू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स बटा क्रॉस स्क्वायर एक्स इन टू डी एक्स। तो आई बराबर इंटीग्रेशन ओवन वाई साइन मिला के सेटा स्क्वायर एक्स इन टू डी एक्स माइनस, इसको हम ऐसे जा समझ लेते हैं ओवन बटा क्रॉस एक्स इन टू साइन एक्स बटा क्रॉस इन टू डीएक्स। तो आई बराबर इंटीग्रेशन सेटा स्क्वायर एक्स रहने दीजिए माइनस ओवन वाई क्रॉस मिला के सेटेस और साइन वाई क्रॉस मिला के टैन एक्स इन टू डीएक्स। तो सेटा स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या टैन एक्स माइनस सेटेस इन टू टैन एक्स का इंटीग्रेशन क्या सेटेस प्लस से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर इतना, जल्दी नोट कर लीजिए। चलिए हो गया डाल दे। आज ये है इंटीग्रेशन सेटा स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेटा स्क्वायर एक्स इन टू डी एक्स इसका इंटीग्रेशन। क्वेश्चन ये देखिए लेट आई बराबर इंटीग्रेशन सेटा स्क्वायर एक्स इन टू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉसेटा स्क्वायर एक्स इन टू डी एक्स। तो सेटा स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या टैन एक्स, कॉसेट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉट एक्स, और अपना मन से कॉन्स्टेंट जोड़ दो ये हो गया राइट आंसर। क्लियर? ध्यान देना इस पर बोर्ड में एग्जाम में आता है। अब यार इंटीग्रेशन सेट एक्स इन टू सेट एक्स प्लस टैन एक्स इन टू डी एक्स इसका करना है सॉल्यूशन। लेट आई बराबर इंटीग्रेशन सेट में सेट से मल्टीप्लाई सेट स्क्वायर एक्स प्लस सेट एक्स इन टू टैन एक्स इन टू डी एक्स। तो आई बराबर इंटीग्रेशन सेट स्क्वायर एक्स इन टू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सेट एक्स इन टू टैन एक्स इन टू डी एक्स। तो आई बराबर इंटीग्रेशन सेट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है टैन एक्स प्लस सेट एक्स इन टू टैन एक्स का इंटीग्रेशन सेट एक्स और प्लस सी, और इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। सब कैसे सीना का सॉल्यूशन है जो भी आई क्वेश्चन उसको हमने छाट लिया। क्लियर? याद रहे ना? आज यह है इंटीग्रेशन कॉसेट
एक्स इन टू क्रॉस सेट एक्स प्लस कॉट एक्स इन टू डी एस इसका इंटीग्रेशन। तो जो दिया उसको मान लेते हैं लेट आई बराबर इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई तो क्रॉस एट स्क्वायर एक्स प्लस क्रॉस एट एक्स इन टू कॉट एक्स इन टू डी एक्स। तो आई बराबर इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ये क्या होगा cos स्क्वायर x इन टू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन cos x इन टू cot x इन टू डी एक्स। तो cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x और cos x इन टू cot x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस से। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर इतना जल्दी नोट कर लीजिए बहुत ही सरल है। अगर यहां से कॉमन लेना चाहते हैं तो माइनस कॉमन आप ले सकते हैं प्रोडक्ट्स प्लस प्रोसेस प्लस से। आगे है इंटीग्रेशन टू माइनस थ्री साइन एक्स बटा क्रॉस स्क्वायर एक्स इन टू डी एक्स सॉल्यूशन। लेट आई बराबर इंटीग्रेशन टू बटा क्रॉस स्क्वायर एक्स इन टू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन थ्री साइन एक्स बटा क्रॉस स्क्वायर एक्स इन टू डी एक्स। ये क्रॉस स्क्वायर था विद्यार्थी उसको हमने बांट दिया किसके बटा में दोनों के बटा में दो के बटा में थ्री साइन के भी बटा में। अब इंटीग्रेशन में जो कॉन्स्टेंट रहता वो बाहर लिखा जाता दो बाहर हो जाओ वन बाई क्रॉस स्क्वायर एक्स इन टू डी एक्स तीन बाहर हो जाए इंटीग्रेशन साइन एक्स बटा क्रॉस स्क्वायर एक्स इन टू डी एक्स आई बराबर टू बाहर और वन बाई क्रॉस मिला के सेटा स्क्वायर एक्स इन टू डी एक्स माइनस थ्री ये हो रहा है वन बाई क्रॉस मिला के सेटेस और साइन बाई क्रॉस मिला के टाइम एक्स इन टू डी एक्स। तो टू इन टू सेटा स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टाइम एक्स माइनस थ्री सेटेस प्लस सी और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। चलिए आगे है इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस क्रॉस एक्स इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन। लेट आई बराबर इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन क्रॉस एक्स इंटू डी एक्स साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस क्रॉस एक्स और क्रॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स प्लस और इस प्रश्न का राइट आंसर क्लियर। तो आज के
के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, है ना।